नमस्कार आप सभी को। मैं रोशनी कुशल जायसवाल गई थी अपने डॉक्टर के यहाँ, अपॉइंटमेंट थी मेरी और आज 25 दिन कंप्लीट हो गए मेरे कोविड निमोनिया के दौर को। और मैंने सोचा आप सबको याद दिला दूं और अंधभक्तों को कंग्रेचुलेट कर दूं, क्योंकि उन्हीं अंधभक्तों की वजह से आज भारतीय जुमला पार्टी के 7 साल पूरे हो गए हैं। 30 मई 2014 का ही वो काला दिन था जिस दिन भारतीय जुमला पार्टी इस देश में आई थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अनगिनत झूठों के द्वारा केंद्र में सरकार बनाई थी, जो कि 7 साल पूरे हो गए। आज ही का वो मनहूस दिन था। इस कोरोना महामारी ने जहां इस देश को खोखला किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस देश को उस हद तक खोखला कर दिया है कि इसे उभरने में कई वर्ष लग जाएंगे। पिछले साल जो GDP आकी गई थी -23.9%, जब कोरोना की पहली लहर थी, जब देश में उतनी बर्बादी नहीं हुई थी, देश में उतनी मौतें नहीं हुई थी, देश की अर्थव्यवस्था उतनी चौपट नहीं हुई थी जितनी अभी है, उस समय पिछले साल हमारे देश की GDP -23.9% थी। और 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो +10 थी, तो कुल मिला के -33.9% नीचे ले गए भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश को। और अगर करंट में मैं चैलेंज करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता को, मंत्री को, कि अगर करंट में GDP नापी जाएगी, आंकी जाएगी इस देश की, तो वो -50% से भी ज्यादा सामने आएगी इस देश के, जो कि चिंता का नहीं, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इस देश ने 70 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया कांग्रेस ने, लेकिन 7 सालों में शौचालय के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं बनाया और देश की GDP -50% तक लाके छोड़ दी। और लाखों की तादाद में लोग मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से डेथ कर गए। हजारों लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी जान नहीं बच पाई लोगों की। काश इस सरकार ने शिक्षा पे ध्यान दिया होता, काश इस सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस पे ध्यान दिया होता, काश इस सरकार ने हॉस्पिटल्स पे ध्यान दिया होता, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बांटने के अलावा लोगों को, सिर्फ हिंदू राम मंदिर और लोगों को कीड़ा डाल दिया दिमाग में अंधभक्तों के, खासकर कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। यही हिंदू मुस्लिम करते रह गए सब और लोग मरते चले गए। अगर ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स बने होते, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर्स रहते हॉस्पिटल्स में, तो आज जिन लोगों ने जान गंवाई है वो हम सब के बीच होते। मेरे परिवार ने भी कई अपनों को खो दिया, जो कि अभी तक दुख हम सब के साथ है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उसकी अंतरात्मा भी ये गवाही देगी कि हर इंसान ने किसी न किसी अपने को जरूर खोया है। ऐसा अचानक हो गया, वो एक महीना जो अप्रैल का था वो हम सब पे भारी था, लेकिन अगर सही मेडिकल फैसिलिटीज और वक्त पे ऑक्सीजन मिल गया होता लोगों को तो वो सब बच गए होते। ये 7 साल सत्यानाश मुबारक हो हर एक अंधभक्त को, लेकिन अंधभक्तों, आपकी वजह से इस देश ने बहुत सारे अपने खो दिए।
जो भी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार वोट किए वो तो एक बार मोदी जी के झूठे वादे सुन के हुए थे, लेकिन दूसरी बार जिन्होंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करके इस देश को गड्ढे में डाला है, उन सब को मैं कहना चाहूंगी कि ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। 2022 में जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी उस पे लगी हुई है, अभी भी जो तीसरी लहर आने वाली है जिसका पहले से ही अनाउंसमेंट हो गया है कि सितंबर के महीने में आ सकती है और इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा इस देश के बच्चों पे, उसके बावजूद भी ये सरकार सजग नहीं हो रही है। वो उत्तर प्रदेश की इलेक्शन में जोरों शोरों से लग गई है, उसे नहीं पड़ी हम सब की। और कहाँ है हमारे देश के गृह मंत्री, कहाँ है अमित शाह जी? मैं पूछना चाहती हूँ आप सब से, किसी ने देखा अमित शाह जी को? अमित शाह जी या तो चुनाव में दिखाई देते हैं या तो एम्स में दिखाई देते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है। चुनाव नहीं तो अमित शाह दिखते ही नहीं है, जब चुनाव होता है तो हजारों की लाखों की चुनावी रैली में सबसे पहले दिखाई देते हैं अमित शाह जी, द मास्टर माइंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वेर आर यू? अभी देश की यह स्थिति संभालने का फर्ज नहीं बनता हमारे गृह मंत्री को। हमारे गृह मंत्री को इसीलिए बनाया गया है कि वो चुनावी रैलियां करें और भारतीय जनता पार्टी के वोट बटोरे। हमारे गृह मंत्री का कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना है। होम मिनिस्टर को सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि जितनी भी रैलियां होंगी, जहां जहां चुनाव है वहां पे कितने विधायकों को खरीदना है, कौन सा विधायक कितने करोड़ में बिकेगा, ये हमारे गृह मंत्री तय करते हैं, क्योंकि मास्टर माइंड है वो। जब चुनाव नहीं तो हमारे गृह मंत्री जी नहीं दिखाई देते हैं। किसी ने भी उन्हें देखा है इस महामारी के समय में? कहाँ है वो? स्मृति ईरानी जी जो एक हाथी के मरने पे ट्वीट करती हैं, उस स्मृति ईरानी जी को किसी ने देखा? नहीं देखा। क्यों? एक हाथी के मरने पे ट्वीट कर दिया और जो लाखों लोग मर गए उनके मरने पे ट्वीट क्या उनके अब्बा करेंगे? बहुत ही शर्म की बात है कि अभी भी ये सरकार जाग नहीं रही है। थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, पता नहीं कितनी वेव आएंगी और जाने जाती जाएंगी, लेकिन इस सरकार को किसी की नहीं पड़ी है। 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट तो इन्हें मिल ही गया है केंद्र में, 2024 तक 3 साल और बचे इस सरकार को। 3 साल में पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे, कितने लोग अनशन कर करके, वकील अनशन कर रहे हैं, डॉक्टर्स अनशन कर रहे हैं, विद्यार्थी अनशन कर रहे हैं। जितने विद्यार्थी हैं अभी तो वो अपने फ्यूचर को लेके चिंतित हैं कि होगा क्या हमारे फ्यूचर का, एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे, पढ़े कि ना हम लोग, क्योंकि जो सरकार में है वो तो अनपढ़ है। जो ये देश चला रहे हैं उनकी डिग्री पूछो तो वो फर्जी डिग्री दिखा देते हैं। बहुत ही चिंता का विषय है, जागिए है आप सब, क्योंकि ये थर्ड वेव जो आने वाली है वो सोच के भी परे है। और अभी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई और तरीके तरीके के फंगस आ गए हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। ये फंगस किसी को हो जाए तो किसी का इलाज ही नहीं है हमारे देश में, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं लोग। तो सोचिए, और जो अभी भी अंधभक्त पूछा जाए कि 2024 में किसकी सरकार आएगी, क्या अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं? मैं पोस्ट करती हूँ कि क्या अभी भी आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए? तो भी कुछ अंधभक्त, तो भी वो बेवकूफ
इतने बड़े बेवकूफ हैं कि उनकी आंखों पे से अभी भी पट्टी नहीं हटी है, वो अभी भी लिखते हैं आएगा तो मोदी ही। अरे बेवकूफों, तुम अपना फ्यूचर नहीं पूरे देश का फ्यूचर गर्क में डाल रहे हो अपनी वजह से। अब तो जाग जाओ, जिसके घर में जिसके अपने भाई, जिसके अपनी माँ, जिसका अपना बेटा चला गया, उन सब का दर्द, उन सब का पीड़ा, अगर किसी के घर में किसी का अपना नहीं गया तो उसकी आंख नहीं खुलेगी? बगल में चाची का बेटा या पड़ोसी का बेटा चला गया तो उससे आपको क्या मतलब? आप तो वोट देंगे मोदी जी ही को ही। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी इस कोरोना में, और जितने लोगों को बचा सकते थे वो नहीं बचा पाए हैं, ये बहुत बड़ा कटु सत्य है। इस बात को मानकर आगे के लिए सजग हो जाइए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी जिंदगी भर आपको कोसेगी कि जब आपके पास वो वोट का अधिकार था तो वो आपने अधिकार का गलत प्रयोग करके हमारा फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर गर्क में डाला क्यों? उन बच्चों का प्रश्न का उत्तर आप सब कैसे दे पाएंगे? क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को कि हमने धर्म के नाम पे वोट दिया था, शिक्षा के नाम पे वोट नहीं दिया, हॉस्पिटल्स के नाम पे वोट नहीं दिया, इसलिए तुम लोगों की यह स्थिति है? हमने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दिया था, हमें बहका लिया गया था, वो 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले थे, वो 15 लाख रुपए अकाउंट में भी नहीं आए और हमारे देश के बच्चों का फ्यूचर भी गर्क में चला गया। क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को अंधभक्तों? कुछ तो शर्म करो। अभी भी जो बेवकूफ कमेंट में लिखते हैं आएगा तो मोदी ही, बीजेपी वंस मोर, अरे वंस मोर करके ऐसी हालत हो गई देश की। अभी अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो क्या होगा इस देश का, सोचिए, और अपने आस पड़ोस वालों को भी सोचवाइए। अगर हम सब चुप हो गए, अगर हम सब की वजह से कुछ भी लोगों का, कुछ हजार लोगों का, कुछ लाखों लोगों का भी माइंड खुलता है तो वो इनिशिएटिव हम सबको लेना चाहिए और बोलना चाहिए और सच्चाई सामने लानी चाहिए। जिन जिन लोगों के घर से उनके अपने गए हैं, जिन्हें मालूम है कि ये पूरी गलती सिस्टम की है, वो आवाज़ ज़रूर उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं तभी आप आवाज़ उठाएं। एक आम नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप आवाज़ उठाएं और जो गलत है उसे गलत बोलें। गलत को बर्दाश्त करने वाला इंसान भी गलत कहलाता है, शास्त्रों में लिखा है ये बात। अन्याय सहने वाला भी बहुत बड़ा बेवकूफ होता है भगवान की नजर में। तो अन्याय ना करिए ना ही सहिए, और गलत को गलत कहना सीखिए। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया को, लेकिन मीडिया सच को सच नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया को जितना सच दिखाना चाहिए वो उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ प्रचार करता है भारतीय जनता पार्टी का। तो आप अपनी आंखें खोलिए और जितना भी हो सके सच का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।